शराब का मर्दों के सेक्स लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है असर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शराब के बहुत सारे मरीज मेरे पास में आते रहते हैं, उनका सेक्स लाइफ की धज्जियाँ उड़ी रहती है और सेक्स के प्रॉब्लम लेके बहुत लोग आते हैं कि हमको सेक्स का प्रॉब्लम है, सेक्स की समस्या है, लैंगिक कठोरता नहीं आती है, शीघ्र पतन है। और उनको जब हम पूछते हैं तो बहुत सारे लोग शराब की लत लगे हुए, शराब के एडिक्ट है ऐसा मालूम पड़ता है। तो दोनों बहुत इंटररिलेटेड है। हमारे देश में 30-40% पुरुषों में, मर्दों में 30-40% ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि हम सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब समाज में कोई फंक्शन है, दोस्तों के साथ में बैठे तो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, हफ्ते में 15 दिन में एक बार वो ड्रिंक करते हैं और वो स्ट्रेस कम करने के लिए ड्रिंक करते हैं। फिर कंपनी देना पड़ता है, बिजनेस बढ़ाने का है, अच्छा लगता है, टाइम पास करना है, ऐसे बहुत सारे कारणों से वो ड्रिंक करते रहते हैं। एडिक्ट जो है कि जिनको लत लगी हुई है, जिनको शराब के बिना चलता ही नहीं है, अल्कोहल एडिक्ट, वो कम से कम 100 में 1 या 2 लोग हैं कि जो अल्कोहल एडिक्ट है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इतनी बड़ी मात्रा है। अभी शराब जो है उसमें है इथेनॉल, और इथेनॉल जो है वो हमारे सेक्स लाइफ के लिए बहुत ही खतरे वाला पदार्थ है। क्या होता है कि शराब मतलब इथेनॉल वो हमारे भेजा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको डिप्रेस करता है, दबा देता है। अब जब हमारा जो भेजा है वो दब गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, नेचुरली क्या होता है, नेचुरली लैंगिक कठोरता आना और लैंगिक कठोर रहना दोनों में भी उसका प्रभाव होता है। मतलब कि लैंगिक कठोरता आती नहीं है, आई तो टिकती नहीं है और फिर आदमी सेक्स नहीं कर पाता है। वैसे ही शराब से डिलेड ऑर्गेजम होता है, मतलब जो चरम सुख जो मिलता है ना, अंतिम जो चरम सुख मिलता है, ऑर्गेजम जिसको बोलते हैं या क्लाइमैक्स, तो वो डिले करेगा और फिर उससे आदमी मतलब कंटिन्यू कर नहीं पाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। वैसे होता क्या है कि शराब से टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है कि जो सेक्स लाइफ के लिए जरूरी है, और सेक्स टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो पूरे सेक्स लाइफ के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है, आप सेक्स नहीं कर पाते। शराब से कामेच्छा कम होती है, इच्छा कम होती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, सेक्स ड्राइव जो है वो कम होती है। और वैसे ही शुक्राणु मतलब पुरुष बीज जो है, स्पर्म जो है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर होता है। शुक्राणु की मात्रा कम होती है, शुक्राणु की गुणवत्ता कम होती है और शुक्राणु की गति कम हो जाती है। शराब से हमारे बॉडी का जिंक जो है, जिंक जो बहुत ही जरूरी है शुक्राणु के लिए, उनके लाइफ के लिए जिंक मिनरल, तो वो जो है जिंक, तो उसकी लेवल कम हो जाती है और उसका बुरा असर हमारे स्पर्म काउंट के ऊपर होता है। मतलब टोटल जो स्पर्म काउंट है पुरुष बीज, उसका टोटल काउंट है वो नीचे आ जाता है, जिससे फिर प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि महिलाओं में इसका क्या असर होता है। जर्नल ऑफ सेक्शुअल मेडिसिन इन्होंने बोला है कि 2 ग्लास रेड वाइन यदि महिला लेती है तो उसके ऊपर उसका अच्छा और ज़्यादा असर होता है पुरुषों से। महिलाएं जो है उनकी कामेच्छा बढ़ जाती है, इच्छा बढ़ जाती है, वो खुलकर बात करती है और वो मुखमैथुन करने के लिए तैयार रहती है या तैयार हो जाती है, ऐसा ये जर्नल के स्टडीज में बताया गया है। रेड वाइन जो है या डार्क बियर है वो पुरुषों में भी अच्छी काम करती है। रेड वाइन में क्या होता है या डार्क बियर में क्या होता है, उसमें आयन ज़्यादा रहता है। आयन मतलब लोहा, लोहा जो है वो हमारे बॉडी के, हमारे खून के जो आरबीसीज है, जो लाल पेशियां जो है, उसको हीमोग्लोबिन तैयार करने में मदद करती है रेड वाइन, मतलब उससे जो उसमें जो आयन रहता है वो। अब हीमोग्लोबिन ज़्यादा तैयार हो गया तो उससे ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पड़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो नेचुरली इरेक्शन में उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इरेक्शन अच्छा आ सकता है। इसलिए कभी कभी लोग जो सेक्स के लिए रेड वाइन लेते हैं तो रेड वाइन या डार्क बियर उनको बहुत ही फायदेमंद होता है। रेड वाइन जैसा मैंने बताया महिलाओं में भी फायदेमंद है, मगर अभी है डिस्क्लेमर यहाँ कि इसकी लत कब लग जाएंगी ये पता नहीं है, क्योंकि लोग सेक्स के लिए यदि वाइन लेते रहे और शराब लेते रहे, उसकी मात्रा बढ़ाते रहे, तो कब लत लग जाएंगी और कब शराबी बन जाएंगे ये मालूम नहीं है। तो हम ऐसा कोई रिकमेंड नहीं करते डॉक्टर कि भाई सेक्स की इच्छा कम है या इरेक्शन नहीं आता है तो शराब लो। उल्टा
जब मेरे पास में लोग आते हैं तो मैं पहले ये बोलता हूँ कि शराब टोटली बंद कर डालो। लोग बोलते हैं हाँ टोटली बंद कर डालो, हाँ बिल्कुल टोटली बंद कर डालो, क्योंकि शराब का पूरा असर सेक्स लाइफ के ऊपर होता है। हाँ कभी कभी औरतें लेती है क्योंकि उनको एंजॉय करना है, और औरतों के ऊपर ये जो डार्क बियर उसका फ़ायदा ज़्यादा दिखा पुरुषों से। अब होता क्या है कि जब आदमी शराब पी के आता है रात को, तो नेचुरली औरतों को अच्छा नहीं लगता, उनको मुंह को मांस आता है, वो बड़बड़ करते रहता है, उसको इच्छा बहुत हो जाती है। शराब पी के क्या होता है कि इच्छा जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, या कभी इच्छा हुई नहीं तभी वो उसके वो नशे में उसको लगता है कि सेक्स करना चाहिए, औरत की बिल्कुल इच्छा नहीं है तो वो उसके ऊपर ज़बरदस्ती करेगा, बलात्कार करेगा घर में ही, और फिर उसको जब वो कॉपरेट नहीं करती है, वो नहीं बोलती है, और तब उसके ऊपर शक करेगा कि भाई मुझे नहीं बोल रही इसका मतलब इसका कुछ तो भी और बाहर होगा। और क्योंकि क्या होता है कि वैसे ही शराबी आदमी बहुत शकीला बन जाता है, और उसका शक फिर ज़्यादा बढ़ने लगता है जब औरत सेक्स करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो शराब पीने वाले वो हमारे पास में आते कि नहीं नहीं हमारी पत्नी जो है उसका कुछ ना कुछ बाहर है क्योंकि मुझे वो कॉपरेट नहीं करती है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि वो शराब पीने के बाद में वो भूल जाता है कि उसने सेक्स किया, और फिर वो सेक्स की डिमांड और सुबह करता है। नेचुरली एक बार सेक्स होने के बाद में दोबारा सेक्स करने के लिए उसका इरेक्शन नहीं हुआ तो उसको फिर और शक आ जाता है कि कॉपरेट नहीं कर रही इसलिए मेरा इरेक्शन नहीं हो रहा है, और फिर झगड़े झंझट चालू हो जाते हैं। बेहतर यह है कि शराब तो पीना ही नहीं चाहिए। हमारा स्पेशल हॉस्पिटल है, डी एडिक्शन सेंटर है, डी एडिक्शन हॉस्पिटल है। यदि शराबी आपको मिलते हैं तो ज़रूर शराबी का इलाज होना चाहिए। और शराब आप कभी कभी पीते हैं उसका भी बुरा असर हमारे बॉडी के ऊपर होता है, शुक्राणु के ऊपर होता है, टेस्टोस्टेरोन मतलब सेक्स हार्मोन के ऊपर होता है, इच्छा के ऊपर होता है, और वीर्य स्खलन के ऊपर होता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि शराब से हमने दूरी रहना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।